हमसे बहुत बड़े तुम हो जो हमने तुम्हें घर से जाने के लिए कहते हमें माफ कर दो। हम चाहते हैं कि तुम घर वापस आ जाओ। हम तुम्हें कुछ नहीं कहें, कुछ नहीं कहेंगे हम तुम्हें। तुम आओगे तो खुद से ज्यादा उसके लिए कुछ भी करेंगे। तुम्हारे साथ सुलह करनी होगी तो हम वो भी करेंगे। नंदवाना एंड यू आर वाचिंग दिस ऑन टेली बूस्टर्स। हाय मेरे सबसे पहले स्वागत है आपका टेली बूस्टर्स में। थैंक यू। जानना चाहेंगे सीन के बारे में, क्या कुछ चल रहा था सीन में, एक अलग ही मोड ले चुका है ट्रैक, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, अभी का जो सीन चल रहा है वो ऐसा है कि अभय जी, श्रद्धा जी मुझे और दिव्यानी जी को लेके निकल गए हैं। अभी हम आउट हाउस में रह रहे हैं, तो जहाँ पे श्रद्धा जी को पता चलता है कि अब निकलने की वजह से अभय जी के मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। उन्होंने अभय को बताया, वो जाना चाह रहे थे लेकिन किसी रीजन से दिव्यानी जी ने उनको रोक लिया। मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा तो नहीं जा पा रहे हैं। और श्रद्धा जी ये सब चीजें देख रहा है, उनको कुछ सही नहीं लग रहा है, बट अभय जी समझ नहीं पा रहे हैं।
साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि मिनाली यानी गौरी ने किस्मत की लकीरों में आते ही अपनी एक जगह बना चुकी जिससे ऑडियंस कनेक्ट हो चुके हैं और प्यार देना स्टार्ट कर दिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी तक तो मेरा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है सीरियल में, फिर भी उससे पहले ही फैन पेजेस मुझे टैग कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि वो अभी से मेरे कैरेक्टर को प्यार दे रहे हैं और मैं चाहूंगी कि और भी आगे देते रहे। ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहूंगी कि ऐसे ही मेरे कैरेक्टर को आप देखिए और प्यार देते रहिए, क्योंकि आपके प्यार से मैं दिखूंगी, और ये शो भी देखिए किस्मत की लकीरों से ऑन शमारो। थैंक यू।